सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। गेहूं की आने वाली फसल चौतरफा सभी राज्यों में बढ़िया बताई जा रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऊंचे भाव होने से भारतीय गेहूं में लगातार खपत वाले देशों की मांग बनी हुई है, जिससे इस बार दूरगामी परिणाम भी ज्यादा मंदे वाला नहीं दिखाई दे रहा है, तथा नया माल आने से पहले 50 रुपए और बढ़ जाएगा। यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित सभी उत्पादक राज्यों में गेहूं की फसल बहुत बढ़िया बताई जा रही है। गौरतलब है कि सरकारी उत्पादन अनुमान 1113 लाख मैट्रिक टन एवं व्यापारिक अनुमान के मुताबिक 1130 मैट्रिक टन गेहूं का लगाया जा रहा है। गेहूं में मंदा यूपी, हरियाणा एवं पंजाब में नई आवक होने के बाद ही आ पाएगा, उससे पहले 50 रुपए प्रति क्विंटल की और तेजी आ सकती है। इसका मुख्य कारण यह है कि हर भाव में खपत वाले देशों की आयात मांग बनी हुई है। गत वर्ष इन दिनों 270 से 275 डॉलर प्रति टन अंतरराष्ट्रीय बाजार में भाव चल रहे थे, वह इस समय छलांग लगाकर 360-370 डॉलर हो गए हैं। उधर फ्रांस में 410 रुपए प्रति टन का व्यापार हो गया है। यही कारण है कि लगातार निर्यात के पड़ते लग रहे हैं। अभी तक निर्यात 60 लाख मैट्रिक टन पर पहुंच गया है, तथा संभावना अंतरराष्ट्रीय बाजारों के भाव को देखते हुए आगामी विपणन वर्ष में 120 लाख मैट्रिक टन पहुंचने की है। गौरतलब है कि यूक्रेन एवं रूस में महायुद्ध चलने से खपत वाले देशों में गेहूं की भारी कमी बन गई है। इसका मुख्य कारण यह है कि अकेले उक्त दो देश कुल निर्यात का 30% भागीदारी रखते थे, जो इस समय आपसी द्वंद्व युद्ध में सारा व्यापार चौपट हो गया है। इसका लाभ सीधे भारतीय गेहूं निर्यात को एवं सरकार को मिलने वाला है। यही कारण है कि अभी इसी लाइन पर 40 से 50 रुपए की और तेजी आ सकती है, लेकिन दूरगामी परिणाम इन भावों में स्टॉक करने पर नुकसानदायक हो सकता है। लंबे समय के लिए कारोबारियों को स्टॉक के लिए कुछ दिन हरियाणा, पंजाब में आवक का इंतजार करना पड़ेगा। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।